हेलो हेलो वीडियो देखने वालों, आईपीएल यानी कि इंडियन पकवान लीग में आपका स्वागत है। और आज का मैच है दो दिल्ली के बहुत ही फेमस मोमोज वालों के बीच में। कहां कहां मिलते हैं इनके मोमोज, क्या खासियत है, सब दिखाएंगे। चलिए मेरे साथ, लेट्स गो। दिल्ली में जब जब मोमोज का नाम लिया जाता है, एक नाम सबसे पहले उठता है, वो है डोलमा आंटी के मोमोज। जी हाँ, हम आए हैं अमर कॉलोनी न्यू दिल्ली और यहाँ पे हम ट्राई करेंगे डोलमा आंटी के मोमोज और आपको दूसरी जगह लेके चलेंगे इसके बाहर। मैं फूड ब्लॉगर हूँ और हमें अपनी सेहत का और भी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए एक्सरसाइज के साथ साथ अच्छी डाइट फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है। डेली डाइट में प्रोटीन काफ़ी ज़रूरी है। जितना आपका वेट है उतना चाहिए आपकी बॉडी को प्रोटीन। इसलिए मैं अपनी डाइट में ऐड किया है वे प्रोटीन और प्रोटीन बार्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन के। इस एक्सट्रीम बार्स में हैं 20 ग्राम प्रोटीन, नो प्रिजर्वेटिव्स, रिच इन फाइबर, विटामिन्स एंड मिनरल्स, और शुगर भी नहीं है और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी नहीं है। बहुत बढ़िया टेस्ट है और बिल्कुल है 100% वेजिटेरियन। बार्स के साथ साथ एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन का माई फर्स्ट वे भी मैंने अपनी डाइट में रखा है। एक सर्विंग में है 14 ग्राम प्रोटीन। मैं इसे पानी में मिक्स करके लेता हूँ और ईजिली जल्दी मिक्स हो जाता है, फटाफट डाइजेस्ट भी हो जाता है और इसके चॉकलेट वे का टेस्ट भी बहुत शानदार है। अगर आप एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स और लिंक मिल जाएगा। चलिए आपको लोकेशन समझाते हैं। ये सामने देखिए, ये देखिए, ये एक छोटा सा आउटलेट काउंटर लगा हुआ है डोलमा आंटी का। और आपको लोकेशन समझाते हैं, थोड़ा सा कैमरा घुमाएंगे। इस वक्त हम अमर कॉलोनी में हैं, आप यहाँ पे गूगल मैप लोकेशन फॉलो करके आ सकते हैं। और सामने देखिए मेरे, ये येलो वाला, ये हंगर स्ट्राइक है। इसके बराबर में ये तंदूरी मोमोज। जी हाँ, ये पूरा हब है, फूडी हब है। ये आपको कैमरा घुमा के दिखा रहे हैं, यहाँ पे खाने पीने की सारी दुकानें हैं। और इन्हीं दुकानों के बीच में ये छोटी सी गली है जहाँ पे शिफ्ट हो गया है डोलमा आंटी मोमोज। तो ये है डोलमा आंटी का मोमोज का स्टॉल। सबसे पहले चिकन मोमोज फुल 80 के, हाफ 40 के, पनीर भी 80 के, हाफ 40 के, वेज मोमोज भी हैं। और यहाँ पे फ्राइड मोमोज भी हैं चिकन पनीर और वेज के, जो कि 150 के, और वेज वाला 80 फुल और 40 का आधा। दोनों में फर्क क्या है? कम मिर्ची वाली गार्लिक है और मिर्ची वाली। ये मिर्ची वाली है? हाँ जी, गार्लिक। ये गार्लिक की है। तो लीजिए, पेश है 80 रुपए के ये 8 पीस हैं डोलमा आंटी मोमोज के। और ये दो चटनियों के साथ सर्व किए गए हैं, एक स्पाइसी चटनी है और एक जिंजर गार्लिक मिक्स करके की गई है जो कम स्पाइसी है। तो चलिए अब इसका टेस्ट देखते हैं। तो टेस्ट के लिए मैं दोनों ही चटनियां लगा रहा हूँ। ये देखिए, आहा, बहुत ही लाजवाब चटनी है इसकी, बहुत ही टेस्ट एनहांस करने वाली। जो इन्होंने लेस स्पाइसी वाली चटनी बनाई है वो बहुत ही फ्लेवरफुल है, वो मोमोज का टेस्ट एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। ऐसी चटनी नॉर्मली मोमोज के साथ सर्व नहीं होती दिल्ली मार्केट में, पर ये कर रहे हैं। और आपको दो फ्लेवर्स मिलते हैं, एक तो आप नॉर्मल मोमोज खा ही रहे हैं, मोमो सॉस मिल रही है, ये आपको जिंजर गार्लिक मिक्स करके एक चटनी बनाई गई है वो दी जा रही है, और उससे टेस्ट बहुत ही शानदार हो गया है मोमोज का। चलिए अब मोमोज की आपको फीलिंग दिखाते हैं। और ये देखिए, ये आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप का इन्होंने चिकन तैयार किया गया है, कैसे इसको पका के, ये बहुत ज़्यादा मसाले डाल के इसको पकाया नहीं गया, साफ आपको चिकन के कीमे से समझ आ रहा होगा। प्याज मिक्स है इसमें, तो बहुत ही लाजवाब है। और जो सारा, मैं ये कहूँगा जो टेस्ट है, जो सारा दम है, वो
इन चटनियों का है, बहुत ही लाजवाब चटनियाँ हैं ये। इन मोमोज का जो खेल है वो सारा खेल इन चटनियों का है, यही सबसे ज़्यादा टेस्ट एनहांस कर रहे हैं। जो इसके अंदर स्टफिंग है चिकन की, वो इतना कोई खास फ्लेवरफुल नहीं है, और कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसा फील आ रहा है कि प्योर जैसे होता है ना कि ये मांस है, वो भी वाली फीलिंग नहीं आ रही कि ये टोटली चिकन का अंदर है कि नहीं। कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा सा ऐसा आ रहा है कि शायद इसमें सोया भी मिक्स है, क्योंकि कहीं ना कहीं खुशबू सी आ रही है वैसे। लेकिन अगर टेस्ट की बात करूँ तो चटनी के साथ इसका मज़ा सबसे ज़्यादा। चलिए अब हम अपने दूसरे आउटलेट पे चलते हैं जो इसका कंटेंडर है, जिसके साथ आज इसका मैच है। तो हम पहुंच गए हैं डोलमा आंटी के कंटेंडर यानी कि यशवंत प्लेस में, और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन जहाँ के सबसे ज़्यादा फेमस है वो दुकान है ये चिमनी। सामने है चिमनी सिजलर्स, जी हाँ, यहाँ पे सिटिंग स्पेस है और एसी भी लगा है, और सबसे ज़्यादा पॉपुलर यशवंत प्लेस यानी कि चणक्यपुरी में ये सबसे पॉपुलर दुकान है। इनकी दो दुकानें हैं इसी बाज़ार में, चार पांच दुकानें छोड़ के एक और है चिमनी, वो भी इन्हीं का है। चिमनी सिजलर्स के मोमोज यहाँ पे रेडी हैं, ये 180 रुपए के 8 पीस हैं, और ये देखिए क्लोजअप लाइए, ये देखिए 8 पीस। और अगर मैं इसको कंपेयर करूँ डोलमा आंटी से तो उससे साइज़ काफ़ी बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा स्टफिंग है। तो इसकी सबसे पहले मैं स्टफिंग दिखाता हूँ, और जो चीज़ मुझे ये पसंद आई डोलमा आंटी का, थोड़ा ड्राई ड्राई सा था, ये बिल्कुल थोड़ा जूसी ही लग रहा है मोमो। ये देखिए बिल्कुल ये काफ़ी ज़्यादा जूसी है, बहुत बढ़िया, और देखने में बहुत शानदार है। तो चलिए टेस्ट करते हैं, चीयर्स। तो जो इसके अंदर स्टफिंग है वो बहुत ज़्यादा जूसी है, जिसे मुझे देख के लग रहा था ये बहुत ही ज़्यादा स्वाद है, और देखते मुझे लग रहा था कि ये डोलमा आंटी को बिल्कुल आउटशाइन कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो अंदर स्टफिंग है वो बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल नहीं है। जो सारा खेल यहाँ पे भी जो खेल है वो चटनी प्ले कर रही है। अगर मैं साइज़ वाइज कहूँ, लुक वाइज कहूँ, तो ऑब्वियसली ये चिमनी सिजलर्स का बहुत बढ़िया लगेगा, आंखों को भी बहुत खूबसूरत लगेगा कि भाई हम कोई बहुत शानदार मोमो खाने जा रहे हैं। लेकिन जब ज़ुबान पे रखते हैं तो ज़ुबान पे रख के जो मुझे डोलमा आंटी के जो मैंने मोमोज खाए उसका मुझे ज़्यादा बढ़िया स्वाद लगा, ये मुझे ओके लगा, क्योंकि इनकी चटनी भी एवरेज है, जबकि डोलमा आंटी की जो चटनी थी वो नेक्स्ट लेवल थी, दोनों स्पाइसी वाली भी और जिंजर गार्लिक वाली भी। तो मेरी नज़र में आज इन दोनों में खा के जो सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा आया वो मुझे आया डोलमा आंटी के मोमोज। तो आज का मैच हमारा डोलमा आंटी मोमोज जीत गए हैं। आप किसके बीच में मैच देखना चाहते हैं, अपने सजेशन रिकमेंडेशन हमें नीचे कमेंट बॉक्स में, या फेसबुक, इंस्टाग्राम, या मेरे व्हाट्सएप जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है वहाँ अपने सजेशंस भेज सकते हैं। और हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि आपके सामने जेन्युइन अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जाए, और ये जितने भी इसमें मैचेस हो रहे हैं ऐसा नहीं है कि हमने ए टीम से पैसा लेके उसको अच्छा बोलना है, ऐसा इसमें आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। जैसा हमें है एक्सपीरियंस वैसा आपके साथ शेयर करेंगे। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।